देखिए तारिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये चुलस्तानी बछड़ा है। चुलस्तानी बछड़े में इतनी बड़ी हाइट मैंने नहीं देखी। अच्छा माशाल्लाह, 4 साल हो गया मुझे फार्मिंग करते हुए। जी जी ना, आज लिए आ रहा आ रहा आ रहा बस। ओ तारिक साहब देखे माशाल्लाह, लाल नुकरा, गुलाबी, ऊपर से पांडा। अल्लाह ताला ने इस बछड़े को कितना हसीन बनाया है। रब्बे कायनात की जितनी तारीफ की जाए उतनी काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं चौधरी कैटल फार्म पसरूर जिला सियालकोट में मौजूद हूँ। आज आपको जो कैटल फार्म दिखाने जा रहे हैं ये पंजाब का आप कह सकते हैं कि जो टॉप के कैटल फार्म है उनमें से एक है। यहाँ की जो कलेक्शन है आप देख के हैरान होंगे। मैं बड़े वसूख से आप दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो कलेक्शन है ये देख के एक दफ़ा मुझे भी हैरानी हुई है। तो इस वक्त चौधरी कैटल फार्म के जो ऑनर हैं मलिक अल्ताफ साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ की आप प्लाई देखेंगे, यहाँ के जानवर देखेंगे, यहाँ की आप मैनेजमेंट देखेंगे, सफाई सुथराई, फीडिंग, हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है। मलिक अल्ताफ साहब से हम बछड़ों का शौक करेंगे, आपको एक एक बछड़ा दिखाते हैं, फिर इनकी जो फीडिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जानवरों को फीड क्या करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्लाई है वो बहुत ज़बरदस्त है। बछड़े जो हैं वो चमक, ऐसे बछड़ों में चमक और थरथराहट बहुत ही परफेक्ट है। इनकी फीडिंग प्लान जो है वो हम लेंगे, मैनेजमेंट इनकी जो है वो आपको दोस्तों को दिखाएंगे, और ये कलेक्शन कहाँ से करते हैं ये सारी बातें आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं ऑनर के पास। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। मलिक साहब, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और अपना जो मुकम्मल इसका एड्रेस है वो बता दें, देन आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सर, सबसे पहले मैं आपकी टीवी अपने चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, आप हमारे पास दूर से तशरीफ लाए, इसके लिए हम दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इंट्रोडक्शन आपके सामने है। जी जी। मलिक अल्ताफ नाम है मेरा और ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर और गाँव जंगी में ये फार्म वाक़ है। जी जी। जहाँ पे आप शॉप करने के लिए आए हैं। जी जी माशाल्लाह। तो मलिक साहब, कितना अर्सा हो गया फार्मिंग में? माशाल्लाह मुझे अपने तारिक भाई, 4 साल से मैं ये शौक कर रहा हूँ। अच्छा। 2 साल तो मेरे वैसे ही गुजर गए, इधर देखते उधर देखते। 2 साल के बाद फिर मैंने ये पूरे दिल लगी से ये काम किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलेक्शन देखे तो आपका लग रहा है कि जैसे आपको 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस है। ये देखिए, मेरे दोस्त जो है ना वो मेरे साथ मुखलिस थे, जिन्होंने जिस तरह का मैं चाह रहा था मैं ये ऐसा शो करूं, जी जी, उसी तरह का वो मुझे उन लोगों ने मुझे शो करवाया। माशाल्लाह। और मैंने ये दिन रात मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितने भी बछड़े के देखेंगे यहाँ पे, एक से एक बार का जो है इनकी ब्यूटी है, और हर बछड़े का एक अपना हुसन है। जी जी। हर बछड़े की जो है ना वो एक अपनी उसकी चाल ढाल है, अपनी एक पहचान है। अजीज, चले जी मलिक साहब, आप जरा दोस्तों को शौक करवाएं। जी जी, आइए, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, जो चोरी कैटल फार्म है इसकी जो पहली ब्यूटी है ये आपको दिखाते हैं। मलिक साहब बताइएगा इस बछड़े के बारे में। ये बछड़ा जो हमारा बहुत ही लवली बछड़ा है और बहुत प्यार करने वाला बछड़ा हमारा। जी जी। शेरा प्रिंट में है ये बछड़ा, हल्की सी क्रॉस ब्रीड में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हैवी वेट में बछड़ा है। जबरदस्त जबरदस्त। और इसका नाम जो है ना वो शाने पसरूर रखा हमने। अच्छा, शाने पसरूर रखा है। शाने पसरूर जो है ये अपनी तैयारी में और इसमें खूबसूरती में वाकई शाने पसरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो मलिक साहब, थोड़ा सा ना बछड़े भी हम देखते जाएंगे और साथ में इनका थोड़ा फीडिंग प्लान और इनका शो बिल्कुल वो भी करते जाएंगे। शाने पसरूर को थोड़ा सा आप चलाए ना, चला के दोस्तों को बैठा। ये जो फार्म है यहाँ पे हम लोग जब कल पहुंचे थे तो हमने देखा कि जिस बच्चे को आवाज दी जाती थी वही यहाँ से जो मालिक है उसकी आवाज पे ये जैसे खोलते हैं ना वैसे ही आता था। जबरदस्त जबरदस्त साहब, ये ऐसी तैयारी नहीं होती, मतलब आज आप बड़ी मेहनत करना पड़ती है। आज आपसे जो मंडे का फार्मूला है ना वो हमने पूछ के जाना है इंशाल्लाह ताला। देखिये, हर फार्मर जो है ना वो बताता नहीं है, लेकिन हम जरूर बताएंगे। हाँ, जो चीज जेनुइन आप डाल रहे हैं जेनुइन बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो गया। ये तारिक साहब हमारी नेक्स्ट ब्यूटी, माशाल्लाह जी। चुलस्ताने में इतना हसीन बछड़ा आपने देखा नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पार्ट्स देखें, और ये चुलस्ताने में इसकी ब्रीड है। अच्छा, बहुत हसीन बछड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है? गुलाबो इसका नाम है। गुलाबो, गुलाबो इधर आ, गुलाबो। जबरदस्त माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मैंने जैसे आप दोस्तों को बताया जी, हाँ। ये जो मलिक अल्ताफ साहब का शौक है, मलिक साहब की जो कलेक्शन है ये, और ये देखिए तारिक साहब बछड़े की नफासत देखिए, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जी। ये ऐसे जानवर कहाँ से कलेक्ट करते हैं आप? ये जी तारिक साहब, हम
مختلف منڈیوں سے جی جی اصل میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیں، یہ جانور جی جی منڈیوں میں بہت کم آتے ہیں، وہ ایک آدھا مل گیا سال میں مل گیا، اچھا جانور لوگوں کے گھروں سے خریدنا پڑتے ہیں، اچھے فارمر سے مال مل جاتا ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی کیا ہی بات ہے، زبردست زبردست۔ یہاں میں ایک بچڑا جو آپ کو دکھاتے ہیں اس سے جو اگلا آتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ نیکسٹ بیوٹی جو ہے ملک کیٹل فارم کی، سوری چودھری کیٹل فارم کی، نام ان کا ملک الطاف ہے اور جو کیٹل فارم ہے اس کا نام ہے چودھری کیٹل فارم، تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ جی کیا ہی بات ہے، بیوٹی دیکھیں جی دوستو، روکیں جی بھائی صاحب تھوڑا اس بچڑے کے بارے میں بتائیں۔ یہ اس کا نام ہم نے رائیو رکھا ہوا ہے۔ اچھا رائیو، بہت ہی نفاست کا بچڑا ہے، بہت ہی نفاست کا، ماشاءاللہ کیا نسل ہے رائیو، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور جی جی یہ برہمن بریڈ میں ہے یہ بچڑا۔ اچھا برہمن میں ہے، ماشاءاللہ بڑی ہائٹ ہے، بڑا تیار ہے، یہاں پہ تیاری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی، ہاتھ جو ہے نا یہ ہاتھ اور یہ کیا رائیو۔ اچھا یہ برہمن میں ہے، اور اس پرنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کالے ابلک کا بچڑا ہے، کالے ابلک کا ہے۔ ذرا رائیو کو چلائیں دوستوں کو، ذرا شوک کروائیں، اس کے بعد جو ہے اس کو باندھیں، نیکسٹ بیوٹی جو ہے وہ لے کے آئیں۔ یہاں پہ جو گہنے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو یہ کلیکشن ہے ان کی، یہ ان کو ہو گئے تو ابھی 4-5 سال ہیں، لیکن انہوں نے کیٹل انڈسٹری میں ایک نام پیدا کیا ہے۔ چودھری کیٹل فارم جو ہے اس کا ایک اپنا ہی مقام، اپنا ہی اسٹینڈرڈ اور ایک اپنی ہی کوالٹی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی دوستوں کو جو یہاں کی اگلی خوبصورتی ہے وہ دکھاتے ہیں جی، ماشاءاللہ بچڑا دیکھیں جی، زبردست زبردست، جب چلتا ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ تھر تھراٹ آتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، زبردست زبردست۔ روکیں جی روکیں جی، اس بچڑے کے بارے میں بتائیں کیا نام ہے اس کا، اور کیا اس کا بریڈ ہے، کیا نسل ہے، دانتوں میں کتنا ہے؟ یہ طارق صاحب اپنے چلستانی میں بچڑا برہمن میں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور یہ ماشاءاللہ دیسی کٹ میں بچڑا آ رہا جی جی جی، کالو نام ہے اس کا۔ اچھا کالو نام ہے، زبردست زبردست۔ دیکھیں طارق صاحب، جب بھی کوئی مال کوئی بھی فارمر لیتا ہے جی جی، اسے چاہیے خریدتے وقت جی 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 پورے ہوش و حواس سے وہ جانور لے، کیونکہ اس نے ایک ٹائم سے رکھنا ہوتا ہے بچڑے کو جی جی، اس کا شو خراب نہ ہو، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ خریدتے وقت جو ہے نا وہ اچھی آنکھ سے دیکھ لے بچڑا، یہ بچڑا لینے والا یا نہیں لینے والا، ایسا ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست جی۔ میں دوستوں کو قریب سے دکھا رہا ہوں، ماشاءاللہ جی، نیکسٹ خوبصورتی جو ہے وہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے۔ دیکھیں جی بچڑے کی آپ چال ڈال دیکھیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں جی اس کی نسل کون سی ہے اور یہ چیز کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچڑے کا جو پرنٹ ہے، اس کا جو کلر ہے وہ بڑا زبردست ہے جی۔ ملک صاحب کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام جانے من، جانے من، ماشاءاللہ۔ تو کیا نسل کون سی ہے اس کی اور یہ دانت؟ یہ دیسی بچڑا بھائی۔ اچھا دیسی ہے، ماشاءاللہ، کلر اس کا بڑا خوبصورت ہے، بہت انٹیک کلر ہے بھائی۔ آپ بہت سارے فارم جو نا وزٹ کرتے ہیں جی جی جی، جاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں جی جی، آپ نے جو بھی چودھری کیٹ فارم پہ سلیکشن دیکھی ہے، ہر کلر ایک منفرد نظر آ رہا آپ کو، ایسا ہی ہے، ہر جانور جو ہے وہ پہلے سے ایسا لگتا ہے یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، ویسے ہی ہے، ماشاء اللہ جی۔ دیکھیں جی بچڑے کا فیس کٹ دیکھیں، زبردست ہے، دیکھیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، کیا ملک صاحب اس کے بارے میں بتائیں؟ یہ لال پانڈا ہے۔ اچھا لال پانڈا، لال پانڈا ابلخ میں، اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ یہ جی آپ کو جو جوڑی ہے چلستانی بچڑے میں، اتنی ہائٹ میں میں نے آج تک یہ اتنا بڑا بچڑا نہیں دیکھا، ماشاء اللہ۔ اچھا زبردست زبردست، یہ چلستانی میں ہے؟ ہاں لال ابلخ اور چلستانی میں یہ بچڑا ہے، زبردست۔ لائیں جی اس کو ذرا ادھر ساتھ کھڑا کریں جی۔ ملک صاحب اس خوبصورتی کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ یہ دیکھیں طارق صاحب، الحمدللہ یہ چلستانی بچڑا ہے، چلستانی بچڑے میں اتنی بڑی ہائٹ میں نے نہیں دیکھی۔ اچھا ماشاء اللہ، 4 سال ہو گیا مجھے فارمنگ کرتے ہوئے جی جی، میں نے اتنی بڑی ہائٹ نہیں دیکھی بچڑے کی، زبردست زبردست۔ ہائٹ اس کی واقعی بڑی ہے، اور لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ برہمن میں ہے۔ ہاں جی جی بالکل، ماشاء اللہ۔ تو ملک صاحب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے جو جانور ہیں جی، جو بھی جانور دیکھا ہے ایک سے بڑھ کے ایک ہے ماشاء اللہ۔ دوسرا جانور جو ہے یہ ساتھ ادھر کھڑا ہے، یہ لاب، یہ الحمد للہ لال ابلخ پانڈے میں ہے۔ اچھا بہت اچھا اس کا فیس کٹ ہے، اور اس بچڑے کی تیاری بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، الحمد للہ، زبردست زبردست۔ تو ملک صاحب یہ جو لال ابلخ ہے پانڈا جی جی، یہ کس بریڈ، کس میں آ رہا ہے یہ بچڑا؟ دیسی بچڑا ہے، دیسی بچڑا ہے،
ये अल्लाह की तरफ से कलीर आ जाता है। जी जी जी, कुछ बच्चे माँ पे चले जाते हैं, कुछ बच्चे बाप पे चले जाते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, बहुत हसीन बछड़ा है माशाल्लाह। तो देसी जो है, देसी में इतनी खूबसूरती, इतनी हाइट। ये देखिए तारिक साहब, ये ढूंढनी पड़ती है ना चीजें, ये सारी चीजें तो ढूंढनी पड़ती है ना, वैसे तो नहीं मिल जाती। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जानवर जब चलता है ना तो मजा आ जाता है, जब इसकी वो तैयारी और ये चीजें है ना, ये मजा करवाते हैं माशाल्लाह। पीछे हो जाओ तारू साहब, जबरदस्त माशाल्लाह। ले जाए जी, बांधे 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 बांधे, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। एक साइड बछड़े की जी जी कच्ची है, और ये देखे दोनों आंखों में अल्लाह ताला ने कैसा इसका फेस कट बनाया माशाल्लाह, बहुत हसीन बछड़ा है। जबरदस्त जी जबरदस्त। अभी जी अगली ब्यूटी जो है आप दोस्तों को दिखा रहे हैं जी, ये भी देसी में से है। हाँ, देसी प्योर देसी बछड़ा, देसी जबरदस्त जबरदस्त। लाए जी, जरा खुला खुला पकड़ के लाए इसको। बताया जी, इसका नाम उकाब, उकाब बछड़े का नाम जो है वो उकाब है। और इसकी मतलब नस्ल क्या है इसकी? देसी में बछड़ा ये, ये भी देसी में माशाल्लाह जी। अगला जो गांव का बछड़ा है जी, इसका नाम पूछते हैं जी। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। मलिक साहब इसके बारे में बताएं, ये ब्रीड कौन सी है? और ये भी देसी है, ये भी देसी है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह देसी है, गुलाबी बछड़ा देसी में, कजला है। अच्छा कजला, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा फेस का थोड़ा सा दोस्तों को शो करवाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है जी। यहाँ की जो सिलेक्शन है वो बड़ी जबरदस्त है, बच्चे जो है वो एक से बढ़ के एक है। फीड जो है इनको, वो इनके मैंने देखे जी अपने, इन्होंने यूनिट लगाया हुआ है वनडे का, और भी बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है वो भी दोस्तों को दिखाते हैं। तो माशाल्लाह मज़ा आया, मज़ा आया। अभी जी दोस्तों को दिखाते हैं यहाँ का जो ब्राह्मण है वो बछड़ा, क्योंकि काफ़ी जो देसी की कलेक्शन है वो दोस्तों को दिखाई है, अभी जो है वो ब्राह्मण जो है इसका भी दोस्तों को शो करवाते हैं। माशाल्लाह जी, बछड़े की आप हाइट चेक करें और इसकी खूबसूरती और ये सारी चीज़ें जो है, ये देखे जी। ये तारिक साहब हमारा शेरे दिल है। अच्छा, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है। क्या एज है मलिक साहब इसकी? अभी बच्चे की उम्र होगी अपने 2.5 साल के करीब। अच्छा, 2.5 साल के करीब है और इतनी ग्रोथ, जबरदस्त जबरदस्त बस। और मतलब 70-75 या 80-90 जो है क्रॉस। ये देखें, 70% ये ब्राह्मण है। अच्छा, और 30% ये साहीवाल में है। अच्छा साहीवाल में। तो क्या आप वेटेज देते हैं कि ये जो क्रॉस वाला जानवर होते हैं जी जी, जैसे मतलब ये क्रॉस में आ रहा है, तो इसकी बड़ी ग्रोथ है, लंबाई इसकी बड़ी है, फेस कट और इसकी मजबूती, मसल्स बड़े हैवी हैं। देखें तो ग्रोथ में क्या, प्योर में और इसको क्रॉस में आप क्या समझते हैं? तारिक साहब, आपने पूरे वर्ल्ड पे आप रिसर्च करें जी जी जी, आज तक जिस बछड़े ने भी वजन उठाया जी जी जी, जिस बछड़े ने भी नाम पैदा किया जी, वो जी, हल्की सी क्रॉस ब्रीड में आता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मतलब सबसे बड़ी रीजन ये है, हम इसलिए लेके आते हैं, ये बछड़े वजन अगेन करने वाले होते हैं बछड़े जी। मलिक साहब ये जो है इसके बारे में बताएं। ये हल्के से मेल में बछड़ा है जी जी, ये भी काले बलख में है, गुलाबी में। अच्छा, ये हल्का सा मेल क्रॉस है इसमें, जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखे माशाल्लाह, प्योर चुलिस्तानी में। अच्छा, ये प्योर चुलिस्तानी है, बड़ी हाइट है इसकी, जबरदस्त। इसका नाम क्या है इस बछड़े का? इसका नाम भी कालू है रखा हुआ हमने। अच्छा, इसका नाम भी कालू है, जबरदस्त, बड़ी इसकी नाफ चल रहा है, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। ये देखिए काले बलख में पांडा माशाल्लाह। अच्छा, ये काले बलख में पांडा माशाल्लाह। देखिए इसका चेहरा तारिक साहब, जितने चेहरे खूबसूरत हम ढूंढ के लाते हैं जी जी, देखिए बढ़ेगा चेहरा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये जी यहाँ का जो कह सकते हैं कि जो सबसे खूबसूरत और सबसे जो ब्यूटी है, अभी खीरा बच्चा, अभी खीरा है, और मलिक साहब का जो है ये फेवरेट है। तो ये जो बच्चा है इसकी थोड़ी सी नस्ल के बारे में बताएं और इसकी ग्रोथ के बारे में थोड़ा बताएं, इसका राज क्या है? ये बड़ी ग्रोथ है, खीरा जानवर जो है लग ऐसे रहा है जैसे ये 2024 पे जाएगा। तो ये कितना, इसको क्या प्लान है आपका फ्यूचर में इसकी? तारिक साहब, अभी ये बछड़ा सेल नहीं करना, इसका हम शो करेंगे जी जी जी। ये माशाल्लाह देखें, बछड़े का हुसन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्राह्मण में ये बच्चा है, विस्की का जो बीज है इसके माँ के जो रखा था हमने। अच्छा, ये विस्की का बेटा है, ये विस्की का है, ये ब्राह्मण में है, ये ब्राह्मण में 100% ब्राह्मण में। अच्छा माशाल्लाह, पेंट इसका बड़ा जबरदस्त है। तो तारिक साहब देखे माशाल्लाह, लाल नुकरा, गुलाबी, ऊपर से पांडा, अल्लाह ताला ने इस बछड़े को कितना हसीन बनाया है
रब्बे कायनात की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जरा इसका चेहरा जो है उसका दोस्तों को शो करवाएं, चेहरा इधर लाएं बच्चे का। ये जी दोस्तों को बताते चलें, ये अभी खीरा बच्चा है, ये अभी खीरा है। और जो बता रहे हैं कि ये जो इसकी विस्की का, ये विस्की का जी विस्की का, ये विस्की का बच्चा है जी। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ग्रोथ है इसकी। साहब ये होम ब्रीड है ये जी भी? नहीं, ये मैंने एक दोस्त है हमारे लाहौर में, उनसे ये बच्चा गाय बच्चा लिया था हमने। अच्छा, तीन महीने के लिए गाय इसको दूध पिलाने के लिए आई थी, उस वक्त ये दो माह का बच्चा था। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी इसकी कितनी एज है? अभी ये बच्चा होगा तकरीबन अभी दोंत के पास आ रहा है। अच्छा, लेकिन लाइव वेट में बहुत अच्छा वजन कर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी जो खूबसूरती है, मुझे आपके फार्म पे सारे जानवर बड़े खूबसूरत, बड़े मैंने अच्छे पाए, लेकिन ये जो है इसकी तो अपनी मिसाल। ये बिल्कुल ये, नहीं देखिये तारिक साहब, हर बछड़ा जो है ना वो अपनी मिसाल आप है। जी जी, नहीं मतलब ये कि हर जो चीज होती है उसके ऊपर कोई ना कोई चीज अल्लाह पाक ने बनाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जानवर जो है वो सारे ही बड़े खूबसूरत है, लेकिन ये जो है इसकी ब्यूटी और इसकी जो चाल डाल है, इसकी जो ग्रोथ है, ये माशाल्लाह जबरदस्त है, जबरदस्त। ले जाए ले जाए। इसका नाम क्या बताया था? इसके पांडे जी इसका नाम है। अच्छा, नाम भी पांडा जी है, कलर से पांडे जी। पांडे जी, चलो आराम ना ले जाओ, बड़ा लाड प्यार। इसको एक दफा घुमाना है, घुमा के फिर इसको बांध दे। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त, क्या ही नखरा है पछड़े का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दोस्तों को जो अगला बच्चा यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, ये भी 2026-27 की कलेक्शन है यहाँ पे। माशाल्लाह जी, ये अबलख में, क्या ही बात है, काला अबलख माशाल्लाह, गुलाबी में और ब्राह्मण ब्राह्मण, जबरदस्त जी जबरदस्त। बड़ी मेहनत से ये तारिक साहब कलेक्शन इकट्ठी करना पड़ती है, बड़ी मेहनत से इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्राह्मण का बच्चा है, ये देखे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम देखे ना गुलाबी में ब्राह्मण है माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये भी जी इस साल के लिए फॉर सेल नहीं है, ये भी यहाँ की खूबसूरती है। इधर इसको घुमाया और ले जाए, बांधे इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जी अगली जो ब्यूटी है यहाँ पे वो आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बछड़ा जो है ये बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण में ब्लैक है, और ये स्लगर है माशाल्लाह, स्लगर, जबरदस्त जबरदस्त। ये चौधरी कैटल फार्म की जो 2026-27 की कलेक्शन है वो आप दोस्तों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये स्लगर है, क्या है इसका मुंह से क्या है ये? अभी दो दांत हो रहा बछड़ा, बढ़ेगा माशाल्लाह, इसका भी वेट काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये बछड़ा रोकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये हाइट में जो आपने वो पांडा जी दिखाए हैं, मुझे लगता है ये लमसम दोनों नहीं, पांडे जी जो है ना वो वेट से ज्यादा है और हाइट से भी ज्यादा है। अच्छा, हाँ ये बछड़े की हाइट अच्छी है और बहुत बछड़ा जो है ना अच्छी हाइट कर रहा है माशाल्लाह। और जब जानवरों की क्वालिटी देखी जाती है, जो शौकीन है वो इस चीज को समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं और कैसे ये कितनी मेहनत से जो है ये कलेक्ट की जाती हैं। फीडिंग जो इनकी है वो बड़ी जबरदस्त है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ की जो सफाई का निज़ाम है वो भी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। मलिक साहब खुद भी जो है बड़े, इनकी जो शख्सियत है बड़ी बाखलाक और बड़े हंसमुख और जिंदा दिल आदमी है जी। ले जाए जी इसको, बांधे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त।